यह सवाल मैं अक्सर खुद से पूछा करता था, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता मैंने ज़िंदगी को समझना शुरू किया तो पता चला कि ज़िंदगी तो सब्र के सिवा कुछ और है ही नहीं। कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, किसी ने किरदार पे उंगली उठाई तो सब्र, जो मांगा वो ना मिला तो सब्र, माजी सताने लगे तो सब्र, किसी का जिक्र करते हुए आंख भर आए तो सब्र। मगर सब्र आता बस तभी है जब इंसान अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीख लेता है। और जानते हो, सब्र करने वालों पे उठने वाले हर सवाल का जवाब खुदा खुद देता है, फिर चाहे वो सवाल ज़ात पे हों या किरदार पे हों। और सोचो ज़रा, जिस शख्स ने अल्लाह के हर फैसले पर सर झटका लिया और सब्र कर लिया, उसे फिर दुनिया की कौन सी चीज़ तोड़ सकती है। बस फिर लोगों का डर ख़त्म हो जाता है और इनकी बातें दुख नहीं देती, क्योंकि तब दिल ये सोचकर मुतमईन हो चुका होता है कि अल्लाह काफ़ी है। सब्र मोहब्बत है और मोहब्बत सब्र है। जिसने मोहब्बत करना सीख लिया, उसने अल्लाह की तरफ वो फासला तय कर लिया, और जिसने सब्र करना सीख लिया, उसने अपने और अल्लाह के दरमियान हायल होने वाला हर फासला ख़त्म कर दिया। अल्लाह ने जिसको जो समझाना होता है वो समझा देता है, लेकिन वो समझ सिर्फ उन लोगों को आता है जो सब्र करते हैं। और बेशक ये ज़िंदगी सब्र के सिवा कुछ नहीं है।